देखिए जो शहीद हुए थे, देखिए 5 फरवरी 1922 को, देखिए इसी जगह पर स्तंभ बन गया है। देखिए यही जगह था दम, यही जगह था दोस्त। चौरी चौरा, चौरा चौरी नहीं, चौरी चौरा, पहले लेडीज उसके बाद जेंट्स। कौन जी? 5 फरवरी, 4 फरवरी नहीं, आप चौरी चौरा के हैं, 5 फरवरी डेट याद रखिएगा, ठीक है? 5 फरवरी को जेल में जलाया गया था। आंदोलन चौरी चौरा पहुंचा था 4 फरवरी को। आंदोलन से थोड़ी ना चौरी चौरा फेमस हुआ है, आंदोलन तो पूरे भारत में फैला था असहयोग आंदोलन। वो जो हत्या हुई थी वो कितने तारीख हुई थी? 5 फरवरी को। चौरी चौरा जाएंगे, गोरखपुर से जस्ट पहले पड़ेगा एक जगह चौरी चौरा स्टेशन है, छोटा सा गाँव है, कोई बहुत बड़ा बहुत बड़ा नहीं है, ऐतिहासिक महत्व है, नॉर्मल सा गाँव टाइप का है। चौरी चौरा स्टेशन है, उस स्टेशन के जस्ट बगल में एक स्मारक भी बना है चौरी चौरा के लिए, नॉर्मल सा स्मारक है। वो पुलिस स्टेशन था वहां पर। ये देखिए जगह का जो आपको लोकेशन में दिया था, बहुत जब पूरा यह भारत नाम लेता, हर बच्चे बच्चे जानते हैं यह चौरी चौरा का नाम, जो 22-23 लोग फूके गए थे। जो ये चोरी चोरी जनता थे, बहुत छोटा सा गांव था, जो अभी बताइए कि ये 100 साल से ऊपर हो गया, यह वीडियो में बना रहा हूँ 100 साल से ऊपर हो गया यह। तो दोस्तों 100 साल पहले पीछे पहले बहुत छोटा सा चोरी चोरा था दोस्तों। इस हम चोरी चोरा पर हमें देखिए दोस्तों, हमें जो आप लोग पूरा वीडियो दिखा रहा हूँ, आपको पूरा मैं जानकारी दे रहा हूँ, यह पूरा भारत में प्रसिद्ध है, हर लोग बताता है सब लोग का ये चोरी चोरा, हर पेपर में हर स्थिति में आता है जो यह चोरी चोरा का। ये सबसे पहले शुरुआत चोरी चोरा से हुआ था, चौरी चौरा से शुरुआत क्या हुआ था। आज जो गांधी जी यहाँ पर खुद आए थे, गांधी जी यहाँ पर चौरी चौरा, तो ये अपने जो गांव का जो थी था ये खुद अपने सर पे ले लिए थे, जो थाना थाना फूका गया था। तो दोस्तों यही है चौरी चौरा। चलिए दोस्तों मैं आपको पूरा मैं दिखा देता हूँ, कहाँ से शुरू करूँ, पूरा घुमा कर दिखाता हूँ कि कहाँ से हुआ था यह चौरी चौरा का जगह और कहाँ थाना फूका गया था, यही दिखा देता हूँ दोस्तों आपको। तो गाइस आप लोग को मैं दिखा देता हूँ, ये चोरी चोरा का जगह तो था जो शहीद हुए थे लोग, उनका मैं दिखा देता हूँ, चारों घुमा कर दिखा देता हूँ दोस्तों पिछले कैमरा से। चलिए दोस्तों आपको घुमा कर, बगल में हाईवे है, देखिए यह चोरी चोरा का थाना है, देखिए जो स्मॉल बना है वहाँ पर, जो यहाँ थाना फूका गए थे, यह देखिए जगह दोस्तों 100 साल पुराना हो चुका है, यह 100 साल से ऊपर हो गया यह थाना का जो फूका गया था। देखिए दोस्तों आपको पूरे चारों घुमा कर दिखा देता हूँ, देखिए जो शहीद हुए थे, देखिए 5 फरवरी 1922 को शहीद हुए थे। देखिए दोस्तों जहाँ इतनी है, देखिए कितना बेहतरीन बना है उन लोग का। देखिए दोस्तों जो शहीद हुए थे उनके लिए स्तंभ बनाया है, देखिए ऊपर भी लिखा है जय हिंद। चलिए दोस्तों आपको अंदर लेकर चलते हैं, यही था, यही यही जगह था कि जो फूका गया था, यही जगह था जो देखिए इसी जगह पर स्तंभ बन गया है, देखिए यही जगह था दम, यही जगह था दोस्तों। देखिए दोस्तों चारों घुमा कर दिखा देता हूँ दोस्तों, और जो शहीद हुए उनका भी दिखा देता हूँ, 23 लोग शहीद हुए थे, उनका नाम है दोस्तों 23 लोग, आप लोग खुद देखिए दोस्तों। यहाँ से हम शुरू करते हैं, पृथ्वीपाल सिंह है, और देखिए जो शहीद हुए थे उनका सबका नाम लिखा गया है यहाँ पर, देखिए देखिए दोस्तों जो शहीद हुए उनका पूरा टोटल नाम लिखा गया है, 23 लोग शहीद हुए थे दोस्तों, 23 लोग, देखिए तो उर्दू में। देखिए दोस्तों चलिए आपको दिखा देता हूं और नाम भी, मैं लोकेशन दिया था, देखिए ये चोरी चोरा का लोकेशन है, जस्ट बगल में थाना है, यही थाना फूका गया था, जहाँ अस्तमल बना है, यही थाना था पहले पुराना,
यही फूका गया तो असमल बन गया है, जो 23 लोग शहीद हुए हैं। तो दोस्तों चलिए आपको दिखा